नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईडी में। मैं बोल के सचिन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि पिछले काफी लंबे समय से देश के अंदर जगह जगह पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। इससे तबाही तो मची ही है, लेकिन साथ ही साथ कई लोगों की मौतें भी हुई हैं और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल होते हुए भी नजर आए हैं। एक बार फिर से लैंडस्लाइड देखने को मिली है। आप सभी को बता दूं कि उत्तराखंड के अंतर्गत यह लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जिसमें दो लोगों की मौत तो हो ही चुकी और वहीं पांच लोग मलबे के नीचे दबे हुए बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और बताया कि बचाव अभियान अभी तेजी से जारी है और इसको तेजी से किया जा रहा है ताकि से आसानी से लोगों को बचाया जा सके और किसी को कोई हानि ना पहुंचे। लेकिन अगर आप भी अभी कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सावधानी पूर्वक ही बनाएं, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। वहीं आप सभी को बता दूं कि टोक्यो पैरालंपिक के अंदर राजस्थान की अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। यह राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। तो वहीं महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 के फाइनल के अंदर इन्होंने 249 पॉइंट स्कोर करे हैं और इसी के साथ में देश के लिए पहली बार गोल्ड भी जीता है। तो वहीं सातवें स्थान पर ये थी जब क्वालिफायर में इन्होंने जगह बनाई थी और ये सातवें पायदान पर रह करके अब प्रथम पायदान पर आ गई है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान में पिछले काफी लंबे समय से कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब इस पर रोकथाम हो चुकी है और लगभग ना के बराबर केस सामने आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है और कल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटन दर्ज किए गए हैं। जिसमें आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान की राजधानी की ही बात करें अगर जयपुर की, तो जयपुर के अंदर 23,051 पर्यटन कल मौजूद थे। तो वहीं इसमें से 6,432 आमेर पहुंचे और 4,590 नाहरगढ़ पहुंचे थे, तो वहीं 4,885 हवा महल में गए थे और वहां पर घूमने के लिए उन्होंने सभी जगह देखी है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। और साथ ही साथ अब इससे मुनाफा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब पर्यटन आएंगे तो पर्यटन के साथ में यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके मुनाफे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अगर हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़ों में बता दूं कि 42,909 पूरे देश के अंदर पिछले 24 घंटे में नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 34,763 लोग कल रिकवर होते हुए भी पिछले 24 घंटे में नजर आए हैं। वहीं अगर मौतों के आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 380 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।